जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। और आज बात करेंगे 16 फरवरी की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ 15 की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो प्लीज़ देख लीजिए। और लेट्स सी 16 फरवरी की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। और आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मैसेजेस में ज़रूर डालिए। वीडियोज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और मैं कोशिश करूँगी सैटरडे से मैं वीकली वीडियो आपको दूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो द पीरियड ऑफ टाइम होनी होती है और वो सेम डे पे नहीं दिखाई देती हैं, बट एक या दो दिन में दिखाई देती हैं। तो सैटरडे से वीकली वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी कैसा रहने वाला है 16 फरवरी का दिन। सो गाइस, राधे कृष्णा, 16 फरवरी 2023, राधे कृष्णा, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए 16 फरवरी। So we have some cards, or let's start with this. पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है बैलेंस का कार्ड होता है, इंटरनल एनर्जी का कार्ड होता है, अपने आप को फाइंड आउट करने का कार्ड होता है, अपने इंट्यूशन को सुनने का कार्ड होता है और अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं एक स्टेबल एनर्जी पे रखने का कार्ड होता है। इवन चाइल्ड एनर्जी या इनर चाइल्ड की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का कार्ड भी होता है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि अपने इमोशंस जो है उनको स्टेबल रखना है, बैलेंस रखना है। दूसरा, कहीं मुझे लेग्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना जो है वो लग रही है, पेन्स या कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना लग रही है। थोड़ा सा अपने पोस्चर का ध्यान रखना है और रेस्ट जो है अपने आप को ज़रूर देना है थोड़ी देर के लिए। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर वो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड कई बार थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट फील करने का कार्ड होता है, व्हेन यू आर नॉट कम्प्लीटली इन सिंक विद व्हाट इज हैपनिंग। इमोशनल एनर्जी कार्ड्स पे मुझे ऑलरेडी दिख रही है। सो 5 ऑफ कप्स का कार्ड होता है जहाँ पर आप थोड़े से अनक्लियर होते हो या थोड़ी सी सैडनेस की एनर्जी में होते हो, बिकॉज यू थिंक दैट जो आपको चाहिए वो पूरी तरह से नहीं है। लेकिन अगर आप देखें इस कार्ड में तो ऑल सारे कप्स जो हैं बिल्कुल इंटैक्ट हैं, वहीं पर है और एक कप उसके हाथ में है। तो एवरीथिंग दैट यू नीड, जो भी चीज़ आपको ज़रूरी होगी वो आपके लिए अवेलेबल होगी, आपको बिल्कुल भी घबराने की या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो दो लोग हैं, उनके पास कप है, ऊपर लाइन की एनर्जी जो है आपको दिखाई दे रही है और कप्स आर ह्यूज। सो उनके इमोशंस जो हैं इस टाइम पे ह्यूज है, बहुत स्ट्रांग है। वो इसलिए भी हो सकता है कि इनमें से एक जो है वो जंग पे जाने वाला है या जंग लड़के आया है और बहुत समय बाद मिला है। सो इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। अगर यहाँ देखें तो डॉग की एनर्जी है। डॉग जो है वो मोस्ट डॉग है या लाइन है, इट लुक्स लाइक अ लाइन, लाइन की एनर्जी है, बट लाइन बहुत इट लुक्स लाइक अ वेरी वीक लाइन। सो उसकी इनर एबिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी वीक हो गई हैं, कम हो गई हैं, या उसका वाइल्डनेस जो है वो काफ़ी कम हो गया है, या उसका कहीं ना कहीं करेज जो है वो बहुत कम हो गया है। रीज़न बिंग प्रोबेबली दैट इज़ गोइंग टू गो ऑन अ वॉर। लेकिन ये एनर्जी है जहाँ पर आपके किसी लव्ड वन को कहीं जाना हो शायद, या कोई एक्शन हो, कोई काम हो, कोई मिशन हो, कोई कोई लंबी जर्नी हो, बट आपको अपने इंटरनल करेज को, अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है, बैलेंस रखना है, क्योंकि 3 कप कार्ड्स हैं, कल इमोशंस बहुत हावी होने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का है। अगर आप देखें तो वॉन्ड्स हैं उसके आगे और वो अपनी वॉन्ड लेकर बिल्कुल एकदम बंदूक की तरह उसको चलाने के लिए तैयार है। सो अपना ग्राउंड जो है वो बिल्कुल फर्म होकर स्टैंड करना है। नॉट नेसेसरीली अगर कोई और किसी एक्शन पे जा रहा है, किसी काम पे जा रहा है, तो आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं है, आपको खुद पे विश्वास रखना है। यू हैव अ लॉट टू डू। नेक्स्ट कार्ड जो है डेथ एनर्जी है। यहाँ पर नंबर 13 का कार्ड है एंड यू कैन सी समबडी शी इज फ्लोटिंग इन टू वाटर। और यहाँ पर एक एंडिंग है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। यहाँ पर मुझे लिटरल डेथ की अनाउंसमेंट भी पॉसिबल लग रही है, क्योंकि बट दिस इज गोइंग टू बी लाइक फ्रॉम अथॉरिटीज समथिंग हायर, या रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तरह से अपने इमोशंस को बैलेंस रखना कल का दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, सो दैट जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी आपकी एनर्जी होती है, जो भी आपके इमोशंस होते हैं, जो भी आपके टास्क होते हैं ड्यूरिंग द डे, आप उनके साथ थोड़ा सा बैलेंस रख पाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। मुझे एक तरह से इफ़ यू सी तो 5 + 4 9 और 2 11 की एनर्जी है। 7 + 4 क्योंकि 13 है, 7
इलेवन की एनर्जी है, फिर से सेवन एट नाइन टेन इलेवन, फिर से इलेवन की एनर्जी है, और फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जो कंप्लीशन की एनर्जी होता है, तो मतलब सेवन इलेवन नाइन इलेवन दोनों की एनर्जी मुझे एक साथ दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हों और उस इंसान के साथ कुछ कनेक्ट हो, या किसी का उस इंसान के साथ कनेक्ट हो और आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हों कि आपको नहीं, आपके साथ क्यों नहीं हुआ, या हो सकता है कि आप किसी को याद कर रहे हों, इमोशनल एनर्जी में फ्लो कर रहे हों, यहाँ आपको किसी टास्क के लिए जाना हो, किसी काम के लिए जाना हो, तो इमोशन साइड पे रखकर अपने टास्क पे ध्यान देना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कल की एनर्जी है, 16th of February की एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग लेकर आएगा अगर आप अपने इमोशंस पे थोड़ा काम करेंगे, क्योंकि ये हर एक दिन जो है फेब्रुवरी का, वो किसी ना किसी हमारी एनर्जी पे, किसी ना किसी एनर्जी वाइज हमें इवॉल्व करने के लिए, किसी ना किसी चीज़ पे काम करने का दिन है। तो मुझे लगता है दैट थोड़ा सा काम अपने आप पे करें, अपने इमोशंस पे करें। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मतलब लिटरली जस्ट फेल लाइक किसी ने गोली मारी और कोई मर गया, एंड समबडी नोज अबाउट इट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो किसी की डेथ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, या किसी को हर्ट करे, इस तरह की न्यूज़ आ सकती है। या यहाँ पर मुझे क्योंकि आर्मी भी दिखाई दे रही है, तो बॉर्डर्स पे कोई हलचल जो है वो हो सकती है, तो उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। किंग है और क्वीन है, रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है पार्टनर से, या थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है पार्टनर से, या पार्टनर को कहीं पर अचानक कहीं जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा इमोशनल या अनक्लियर फील करें, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है जरूर कमेंट्स में बताइए, नहीं करता है तो भी बताइए। सो लेट्स सी मैसेजेस क्या है या गाइडेंस क्या है हम लोगों के लिए 16th of February की। राधे कृष्णा, ओके। और मैं गाइडेंस के लिए दो कार्ड्स निकालने वाली हूँ आज, तो मैंने पहला निकाल लिया है और दूसरा देखते हैं। राधे कृष्णा गाइडेंस 16th, सो वी हैव द कार्ड्स। और कहीं कार्ड्स की एनर्जी जो है ना बहुत पावरफुली कनेक्ट कर रही है विद द मैसेजेस। मैसेज बोलता है स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, और यहाँ पे मुझे मिक्की माउस की एनर्जी दिखाई देती है फिर से यहाँ पे। सो ये बोलता है कि अपनी कम्फर्ट जोन से बाहर आना है, और लिटरली आप बहुत कम्फर्ट जोन में हैं और अब टाइम है बाहर आने का, ट्रांसफॉर्मेशन का, तो अपनी कम्फर्ट जोन से बाहर आना है, पहली एनर्जी। दूसरा बोलता है इनर चाइल्ड, अलाउ मी टू गिव कम्पैशन एंड लव टू द लिटिल वन, लेट मी अटेंड टू इट्स डीपेस्ट नीड्स एंड फीलिंग्स, इमोशनल बैलेंस। जैसे मैंने बोला, इंटरनल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, आपके इमोशंस कहाँ फ्लो कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और उन पर वर्क करना, एक्सटर्नल एनर्जी को अपने ऊपर कम इम्पैक्ट करने देना, अपनी इनर एबिलिटीज, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना, और फिर वो सब करके अपनी कंफर्टेबल एनर्जी से बाहर निकलना और एक्शन एनर्जी में आना। ब्यूटिफुल कार्ड्स और ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे ये दिन लाता हुआ लग रहा है। अगर इनर चाइल्ड से रिलेटेड कोई इशू है, बचपन की कोई थॉट, कोई चीज है जो माइंड में बैठी हुई है, जिससे अभी भी तकलीफ होती है, उसको एड्रेस करें। आज का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर धकेलेंगे, और वो अच्छे के लिए होंगे। तो फॉलो योर नॉर्थ स्टार, अपनी एक्चुअली ट्रू एनर्जी को फॉलो कीजिए, इनर चाइल्ड को एड्रेस कीजिए, और अपनी इमोशनल जो आपकी डीपर नीड्स हैं उन पे फोकस कीजिए और उनको एड्रेस कीजिए। और कल का दिन जो है इमोशनल हीलिंग के लिए बहुत पावरफुल है, अगर आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को होने देंगे। सो कुछ तो ऐसा होगा जो आपकी कंफर्ट जोन से आपको बाहर लेकर आएगा, और उम्मीद करती हूँ दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो, और अगर हो सके तो वीडियो को और लोगों तक पहुँचा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।